दोस्तों स्वागत है आपका नवरात्रि स्पेशल में। जैसे पिछले एपिसोड में आपने नवदुर्गा के पहले तीन रूपों के बारे में जाना, तो इस वीडियो में हम अगले तीन रूपों के बारे में बात करेंगे, उनकी कथा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवदुर्गाओं में जो चतुर्थ रूप है यह है देवी कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा ये आदि शक्ति है, यानी जब सृष्टि का प्राकट्य नहीं हुआ था तो माना जाता है कि देवी अपने कुष्मांडा रूप में थी। देवी कुष्मांडा के स्वरूप में उन्हें तीन आँख है और वो अष्टभुज में है। तीन आँखों में बाई आँख से महाकाली जी का प्राकट्य हुआ है, मध्यम आँख से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, तो दाई आँख से महासरस्वती जी का प्राकट्य हुआ है। और इन्हीं तीन देवियों से आगे फिर अनेक देवताओं की रचना हुई और इन्हीं से, इन्हीं की प्रेरणा से आगे संसार बना, सृष्टि का प्राकट्य हुआ, ये माना जाता है। इसीलिए देवी कुष्मांडा को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। नव दुर्गाओं में पांचवा स्वरूप है देवी स्कंद माता। चलिए जानते हैं कि देवी को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। आपको तारकासुर के बारे में तो अवश्य पता होगा। तारकासुर एक बहुत भयंकर दैत्य था। इसे वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का पुत्र ही इसका विनाश कर सकता है। इसीलिए जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का पुत्र हुआ, यानी जब कार्तिकेय जी प्रकट हुए, तो इनका नाम पड़ा स्कंद। इन्होंने तारकासुर का वध किया। क्योंकि इनका नाम स्कंद था, यानी कार्तिकेय जी को स्कंद कहा जाता था, तो इसीलिए माँ पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। तो स्कंद माता का जो रूप है, इसमें देवी के हाथ में कार्तिकेय जी विराजमान है। नवदुर्गाओं में जो छठा रूप है यह है देवी कात्यायनी। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की कृपा से और उनके दैवी गुणों के साथ ऋषि कात्यायन को एक पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम था कात्यायनी। ये देवी का छठा स्वरूप है। देवी ने इस रूप में सृष्टि की रक्षा की और दैत्यों का संहार किया। इसी रूप में देवी ने महिषासुर नाम के दैत्य को भी मारा, इसीलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी का व्रत ब्रज की गोपियों ने भी किया है। ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत पूरा किया था, जिसमें उन्होंने एक मास का उपवास भी किया था। इस बात का वर्णन पुराणों में आता है, तभी कहा जाता है कि ब्रज के गोपियों ने भी देवी कात्यायनी का व्रत किया था।